हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आप लोग को ज़्यादा पैसा मिलेगा। मान लेते हैं अगर आप लोग फ्रेशर हो या आप लोग ओल्डेस्ट हो या आप लोग काफ़ी ज़्यादा पुराने हो, तो कुवैत में किनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप लोग कुवैत में आते हो, क्या स्टार्टिंग में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा या आप लोग थोड़ा पुराने हो जाते हो, जैसे कि अगर आप लोग के पास स्पिरिट वगैरह हो जाता है तो आपको तब पैसा मिलेगा ज़्यादा, क्या सच्चाई है। तो मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता रहता हूँ, और अगर मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात कर लेते हैं। गैर अगर आप लोग कुवैत में आते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी दुबई रिटर्न होकर कुवैत में आते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग जाएंगे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर यानी कि कहीं पर जाते नहीं, ना कि सऊदी जाते हैं, ना कि कतर जाते हैं, ना कि दुबई जाते हैं, कहीं भी वो लोग जाते नहीं, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो किनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर वो लोग सऊदी दुबई होकर आते हैं पैसा ज़्यादा मिलेगा, कि अगर वो लोग इंडिया वगैरह में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कुवैत में, तो किनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या कुछ भी काम मालूम नहीं अगर आप लोग यहाँ पर आकर सीखते हो तो किनको उनको पैसा मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइस, काफ़ी ज़रा वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुवैत में आते हैं यहाँ पे, वो लोग क्या सोचते हैं ना, हमको यहाँ पे एक महीने में 50,000-60,000 मिलने लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ भाई मिलता है, सही बात है, लेकिन वो कैटेगरी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ पे यार 20,000 मिलना मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई हम यहाँ पे लाखों कमा रहे हैं। भाई झूठ है, लाखों कोई नहीं कमाता है स्टार्टिंग में। जब आप अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, जैसे कि अगर आप लोग ने इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो भी वाट एवर पढ़ लिख कर आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, बस आप लोग के पास एक स्किल्स रहती है, आप लोग को कोई भी आदमी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ लिख कर ज़्यादा आते हो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डिग्री लेकर आते हो, तो आप लोग को यहाँ पे फ़ायदा होता है। बस कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो आपकी डिग्री देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो आपकी डिग्री वगैरह देखते हैं, आपने क्या किया है। लेकिन गाइस अगर आप लोग छोटी मोटी यहाँ पे कंपनी में काम करने के लिए आओगे ना, आप लोग को यहाँ पर मंथली 250 दिनार स्टार्टिंग में देते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे कंपनी में जो बंदा नया है वो लोग को 250 मिनिमम 250, जब थोड़ा पुराने हो जाते हैं जैसे कि 2-4-6 महीने बाद, उनको इजीली 300 दिनार कर देते हैं। जो लोग आप लोग क्या सोचते हो ना कि हम यहाँ पर कुवैत में आ रहे हैं और हमको यहाँ पे महीने में 1,00,000 रुपये मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है गाइस। यहाँ पे अगर आप लोग को कंप्यूटर के बारे में स्किल्स है तो आप लोग यहाँ पर आसानी से 250 दिनार कमा सकते हो। अब बात आती है कि जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है तो उनको यहाँ पे क्या पैसा ज़्यादा मिलेगा। भाई मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कुवैत आएँ थोड़ा मोड़ा यानी कि कुछ ना कुछ सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार जो बंदे को कुछ भी स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं आता है ना, उनको कोई भी बंदा यार इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। 110 दिनार 120 दिनार देते देते वो बोलता है यार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उस बंदे को कुछ भी उससे रिलेटेड जैसे कि जो काम कर रहा है, जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर कोई बंदा पैकिंग कर रहा है तो उसको पैकिंग नहीं आ रही है, तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो कंपनी आपको किस चीज़ पर वो पैसा देगी। तो गाइस मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ यार सीख कर आइए, कुछ ना कुछ स्किल्स लेकर आइए, तभी कुवैत में आना, क्योंकि यहाँ पे कुवैत में एक दिनार देना भी बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है किसी भी दूसरे बंदे के लिए। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, मान लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे काम करोगे, अगर आप लोग किसी दूसरे बंदे से उधार लोगे 5 दिनार, वो बंदा सोचेगा यार बंदा कभी रिटर्न करेगा, तो आप लोग जान सकते हैं कि 1 दिनार 5-5 दिनार की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है ना, तो आप लोग यार काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे कुवैती दिनार बहुत ही ज़्यादा हाई करेंसी होती है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम बिजी रहते हैं और काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, बहरहाल सामने वाली वीडियो आ रही है। चलिए मिलते हैं कल।